नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम विजय कुमार राय जी के घर पर हैं और हमने आपको इनके टेरेस गार्डनिंग से जुड़े हुए एक वीडियो दिखाया था जिसमें बताया था किचन गार्डनिंग, और अब हम इनके फ्रूट गार्डन में आए हुए जो छत पे ही मौजूद एक कोने में। विजय राय जी, कौन कौन से फ्रूट्स आप उपजाते हैं छत पे? केला तो हो गया ना, केला उधर है, ये अनार है, सब अनार फला हुआ ना, ये अनार सब फला हुआ है। इसके बाद सब अमरूद देखिए फला हुआ है, इसमें बहुत सारे है अमरूद है। ये छत पे देखिए ना, इतने सारे अमरूद जो है वो 10-15 किलो फरेगा, फरे हुए हैं। और ये सब देखिए बड़ा बड़ा गमला में, ये अमरूद है करीब 250-300 ग्राम का होता है। ये निकल गया ये, और ये बहुत फलता है, ये तो फलेगा तो 10 किलो फरेगा। ये सब ये पूरा पेड़ है, ये मिट्टी में लगाया हुआ है ये गमला। इसके बाद ये आज ये पपीता है यहाँ पर, और ये लगता है कि सहजन है ना। सहजन देखिए, सहजन का भी पेड़ इनके पास है, और ये अब पपीते के पास हम चल रहे हैं। ये पपीता, ये पपीता वो अभी इसी सीजन का है, अप्रैल में लगा हुआ है ये। ये एप्पल बैर है, एप्पल बैर। हाँ, एप्पल बैर जो मार्केट में बड़ा बड़ा जो होता है ना, बहुत मीठा होता है, करीब 4-5 साल फलता है। देखिए पपीते का स्क्रीन पर आप विजुअल देख रहे हैं, अभी कच्चा पपीता है, अभी फलने वाला है। कौन से मंथ में ये? ये अभी 3-4 महीने के बाद पकने जाएगा। वो आम का पेड़ है, अमरपाली लगा हुआ है, जो अभी फला हुआ था करीब 50 किलो अभी सीजन में। अच्छा, कितना हुआ था इस सीजन में अमरपाली? अमरपाली उसमें 50 से ऊपर फला हुआ था, 50 से ऊपर। बैर तो चाहे बहुत फलता है, मोटे तौर पर कहें कि 10 किलो। हाँ, 8-10 किलो होगा। 8-10 किलो छत पर एक ग्राफ्टेड आम्रपाली के पौधे से इन्होंने हुआ था। और ये करीब 400-500 फलता है, ये जो बैर का पेड़ है ना, एप्पल बैर का। 400-500 पीस। हाँ, 400-500 पीस फलेगा। कितना पुराना है ये एप्पल बैर? ये करीब 5 साल है, इसके पहले इसमें आम फल रहा था आम्रपाली, तो हट गया। एक चीज और मुझे आकर्षित जो कर रहा है ना, बोनसाई तो बहुत लोग रखते हैं और शौकीन भी होते हैं, लेकिन ये जो बोनसाई है ना, 20 साल पुराना है। हाँ। ये पीपल का 20 साल हो गया इसका लगाए हुए, ऊपर बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। पत्ते इसके लाजवाब, मतलब कि बोनसाई बहुत होते हैं पीपल के बहुत सारे घरों में, लेकिन ये एक तो लंबा है, हाइट में भी लगता है 4-5 फीट है, 7 फीट है। 7 फीट इसकी हाइट है, इतना ही हाइट रखते हैं। देखिए फिर अभी काट देते हैं, यहाँ से अभी काटे हैं ना, फिर काटेंगे चारों तरफ से घनेदार। हाँ, हाँ, और यहाँ पर शाम के वक्त लगता है आप बैठते होंगे। झूला लगा हुआ सब में। हाँ, और यहाँ यही से बैठ कर आप पौधों से बात करते हैं। यही पर बैठ कर, यही पे बैठ कर पौधों से बात करते हैं। चलिए अब हम इनके फ्रूट्स गार्डन में चलते हैं जो कि छत पे है। देखिए इतने शौकीन है फ्लावर से लेकर। हाँ, ये भी अमरूद है ना, काफी फलता है ये भी, अमरूद का पेड़ जमीन में लगा हुआ है। ये सब ये बेल का पेड़ है जिसको पत्ता पूजा में जाता है। अच्छा, बेल बेल है पूजा में, तो फलता नहीं है कभी बेल का? अभी फला नहीं है अभी तक, फलेगा। अच्छा, बेल का भी पौधा जो कि शंकर भगवान पे चढ़ता है ना, वो बेल, वही बेल इनके पास भी है। अब हम धीरे धीरे, ये बनियान बरगद, ये बोनसाई है क्या? नीचे से इसको ग्रोथ रोका हुआ है। अच्छा, ये इतना ही थोड़ा सा मिट्टी में है ये। हाँ। ये बहुत दिन से है, करीब 10 साल से है, 10 साल से हर साल इसको काटना पड़ता है। देखिए इतनी अच्छी बोनसाई, मतलब कि लगता है कि पौधा ही है। नीचे कितनी ये लंबा इसका ये पॉट है? और ज्यादा नहीं, उधर से करीब थी वो छत है बाथरूम के ऊपर। हाँ। उसे भी मिट्टी रखा हुआ, उसी में है। अच्छा, ज्यादा लेकिन बहुत अच्छा है, इतनी हरियाली, बाप रे बाप। अभी तो गर्मी में भी आप छत पे आ जाते हो तो गर्मी नहीं लगती होगी? देखिए ना, नीचे लगा हुआ है बैठने के लिए सब। हाँ। अब देखिए ये अमरूद का पेड़ है जो अभी करीब 50 अमरूद निकला है इसमें से, फिर फल पकड़ने लगा। और ये जामुन का पेड़ है, ये हाइब्रिड जामुन है, कलम जामुन है। ये जामुन हुआ कभी? हाँ, अभी हुआ था ना एक सीजन। ये करीब 1 किलो से फरा हुआ था, ये 1 किलो जामुन था। ये आंवला के, आंवला ज्यादा नहीं फलता है, 10-20 फलता है। ये आंवला हो जाता है छत पे? ये फलता है एक सीजन में 10-20। अच्छा, एक सीजन में आंवला 10-20 इनके पास हो जाते हैं। ये शरीफा फैला हुआ था, ये 15-20 फला हुआ था, ये शरीफा था ना, ये दूसरे वैरायटी का शरीफा, बहुत मीठा है ये। देखिए अभी फला हुआ है शरीफा, देखिए फला हुआ है, देखिए ये फला हुआ है ना, अभी ऑफ सीजन में फल गया ये।
ये अभी इसका पर 15 टूटा हुआ था, ये बचा हुआ है। ये देखिए ये कलौंजा का पेड़ है, सब लोग पूछा क्या है, ये कलौंजा का पेड़ है। ये जो चटनी नहीं बनता है चार चार, वही है। तो कितना फर जाता है एक सीजन में? ये बहुत फर, 1 किलो से ज्यादा फरा होता है। और ये सपाटू है, ये फूल तो दे रहा है लेकिन अभी तक फला नहीं है। सपाटू हम लोग जो कहते हैं ना, सपाटू सपाटू है। और ये तो नींबू है, काफी फलता है, पर इस पर 200 नींबू लगा हुआ है। देखिए ये नींबू है ना, फिर फल रहा है, फल पकड़ रहा है। अभी पर्सन ले बहुत, इसका वीडियो था, बहुत पूरा भरा हुआ था नींबू। और ये मौसमी है, ये अभी कल है तोड़ के ले गया सब। अरे वाह, देखिए छत पे मौसमी, छत पे मौसमी बीस तोड़ के ले गया है कल। वो भतीजा था वो तोड़ के कल, वो पका हुआ, ये भी पका हुआ है। हाँ, एक हम से भी टूट गया, तोड़िए ना इसको। चलिए ये देखिए छत के मौसम में। ये थी उड़ूल नहीं है, वो हम लोग तूत नहीं बोलते हैं। अच्छा, तूत, हाँ, गांव में होता था, मेरे नानी घर में है। ये देखिए ये बड़ा वाला अनार है, अभी भी 7-8 होगा इसके ऊपर, उधर है ना। और ये कटहल का पेड़ दिया था नर्सरी वाला के फलेगा, लेकिन फल नहीं रहा हो 2-3 साल से। मतलब ये प्रयोग भी है, ले आते हैं फल। ये कंपोस्ट है, गोबर जो एथी है ना, वो जो खाद होता है ना एथी का, खल्ली का, यही डलाता है इसमें खल्ली का, क्योंकि एनर्जी चाहिए इसको ना, यही डलाता है। चलिए एक, हाँ, विजय कुमार राय जी के यहाँ एक लास्ट एक और वीडियो हम बनाएंगे कंपोस्टिंग को लेकर। उनके लड़के हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पापा तो एकदम गार्डन एक्सपर्ट हैं, आप मदद करते हैं जी? हाँ, हम लोग अभी हम जैसे डिजाइन लाइन में हैं, तो इस टाइप का जैसे डिजाइन हो गया या फिर कहीं भी पटना में, तो अगर कोई डिजाइन करवाना चाहता है अपने छत पे विजय राय जी के थ्रू, तो हम लोग इस टेरेस गार्डनिंग का डिजाइन जी। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं और डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, तो इनके लड़के हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं जी। और फेसबुक पे भी विजय राय टेरेस गार्डन करके है, आप उस पे भी जाके वहाँ से भी आप चैट के थ्रू। अच्छा, वो आप ही का है? मैंने देखा था एक बार, लेकिन मुझे अभी पता चला। अच्छा, अभी पता चला कि वो आपका, मैंने देखा था एक बार वो पेज। चलिए आकाश से कहेंगे, जो हमारे कैमरे के पीछे है और हमेशा हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, थोड़ा फुल व्यू ऊपर का भी दिखा दीजिए। टेरेस गार्डन, इन्होंने छत को कहें कि बगीचा नहीं बना लिया, जंगल बना दिया है। और इस वीडियो को हम इसी खूबसूरत तस्वीर के साथ एंड कर रहे हैं, और आखिरी वीडियो विजय कुमार राय जी के घर पर बनाएंगे कंपोस्टिंग को लेकर।